सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जब आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसमें आपको बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं वो जब आप नए होलसेलर ढूंढते हो तो आपको देखने को मिलते हैं। वो जो लोग, जब आप बड़ी मार्केट में जाते हो उनसे बात करते हो, तो कई तरह के फ्रॉड आपको उनके द्वारा मिलते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं आप नए हो, आप इस बिज़नेस के बारे में कम इन्फॉर्मेशन रखते हो और आपकी जान पहचान मार्केट में कम है, तो वो किस तरह से आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो बिज़नेस और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हो कि इस इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट करो उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए, पर जब उन मार्केटों में लोगों को पता लगता है कि वो जानते हैं कि आप नए इन्वेस्टर हो और आपको इस बिज़नेस के बारे में अच्छी नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपके पास कोई ज़्यादा मार्केट प्लेस भी नहीं है, और वो सोचते हैं कि आपको घटिया माल बेचकर आपके साथ फ्रॉड किया जाए। इस तरह के लोग हर तरह के बड़ी बड़ी मार्केट में होते हैं और उनका काम ही होता है कि वो ढूंढते हैं डेली बाय डेली, चाहे कोई भी नया बंदा फंस जाए और उसके साथ वो फ्रॉड करके उनकी जो जेब में पैसे हैं वो अपनी जेब में ले सके। उनका काम यही होता है। जब भी आप किसी भी नए प्लेस पे जाते हो मार्केट में, चाहे वो करोल बाग हो या कश्मीरी गेट की मार्केट हो, वहाँ पर जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, अगर आप स्पेयर पार्ट का बिजनेस करते हैं और अलग अलग तरह का बिजनेस करते हैं, जो भी आप जिस फील्ड में आप चाहते हो उसका बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप मार्केट के अंदर जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि वो आपको बुलाते हैं कि सर आपको क्या डिमांड है क्या नहीं है। आप जब उनके पास जाते हो, उनसे बात करते हो और आपको उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, और आप देखते हो कि जो भी आपको लगता है आपको चीज़ चाहिए, लाइक आपको फ्लाईव्हील चाहिए कार का, तो आप उनसे बोलते हो सर मुझे इस गाड़ी का फ्लाईव्हील चाहिए और इतनी क्वांटिटी है, तो वो आपको जो स्टार्टिंग में फ्लाईव्हील दिखाएंगे जो उनके पास अभी होगा स्टॉक में, तो वो होगा उनके पास दिखाने के लिए जेन्युइन फ्लाईव्हील। और अगर आप उनसे और दिखाने कहेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा जो उनका वेयर हाउस है जहाँ पे वो सामान रखते हैं वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे जो फ्लाईव्हील आपको दिखाया जाएगा वो बिल्कुल जेन्युइन दिखाएंगे, एक मार्क के साथ दिखाएंगे और एक अच्छी जो उसकी क्वालिटी होती है उसको दिखाने की वो कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत अच्छा है बंदा, बातचीत करने में अच्छा है, और उसके बाद जो उसने मुझे प्रोडक्ट दिखाया, मेरा फ्लाईव्हील दिखाया, वो मुझे बहुत अच्छा दिखाया और उस गाड़ी के रिगार्डिंग सब कुछ अच्छा दिखाया, और आपको वो प्राइस में भी और डिस्काउंट भी अच्छा देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप वो माल देख लेते हैं और उसको क्वांटिटी बता देते हैं, तो वो माल को पैक करना स्टार्ट करता है, वो माल को आपके सामने पैक करता है, और जो पन्नी के अंदर जो चीज़ होती है और पन्नी के बाहर जो चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी का फ़र्क होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, जो पन्नी पैक कर देते हैं और सब कुछ माल को रख देते हैं, और जब शाम के टाइम आप आते हो या जो भी है, तो उस टाइम वो उसको आपके सामने क्वांटिटी गिन के और उसको बॉक्स के अंदर पैक कर देता है, जो पैकिंग वाला बंदा होता है उसके सामने वो आपके सामने पैक कर देता है। पैक करने के बाद जो भी आपकी लोकेशन होती है वहाँ पे आपको वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर कर देता है, और आपके पास सामान 5-6 दिन के बाद आपके पास पहुँचता है या आप उसको लेके अपने साथ जाते हो, तो क्या होता है जब आप सोचते हो आप तो मेरे पास अच्छा माल आ गया, अच्छा खासा डिस्काउंट आप लेके मैं उसको माल को मार्केट में बेचूंगा, जब आप उसको खोलते हो और आपके पास ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, आप मार्केट में जाते हो, लोगों को देते हो, लोगों को लगता है कि नया नया माल आया और आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिला है, तो आप उसके हिसाब से अच्छा खासा डिस्काउंट भी देते हो, तो लोग आपसे खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो माल लोगों के द्वारा, कस्टमर के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्लेंट उनको देखने को मिलती है। जब सेकेंड टाइम आप दोबारा ऑर्डर करते हो और जब आप दोबारा मार्केट में जाते हो, तो आपको कुछ तरह की जो कंप्लेंट होती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो कस्टमर के द्वारा दी गई हैं, और जिसको भी आपने शॉप को अपना माल सेल किया, उनने कस्टमर को सेल किया, तो उस तरह की जो कंप्लेंट उनको जो मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो जहाँ पर आपको आकर दिक्कत का देखनी पड़ती है, आपके पास जो माल आपने नया मंगा लिया और जो पुराना है वो भी आपका जो माल वापस हो रहा है या उसकी जो कंप्लेंट है वो आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जो माल आपके पास आ गया नया उसको किस प्राइस में आप बेचोगे, आपको पता लग गया कि उस होलसेलर ने आपके साथ धोखा किया है, और जो भी है आपको नुकसान आपको देखना को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें लोग करती हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सामान नहीं होता, बहुत ही कम सामान रखते हैं, पर उनको चाहिए होते हैं बंदे, जो एक दो बंदे उनके शॉप में होते हैं जो यही काम करते हैं कि अगर कोई नया बंदा है तो उसको आप
बातचीत करके अपनी दुकान पे ले आएंगे और फिर उसके बाद आपको वो चीज़ दिखाएंगे। अगर आपको उसी करंट टाइम चाहिए तो वो बंदे किसी और की दुकान से चीज़ों को लेके आके आपको ज़्यादा प्राइस में वो आपको बेच देते हैं। चीज़ उनकी होती भी नहीं है, वो किसी और अभी आपकी डिमांड है वो लिख ली और उसके बाद उसको किसी और बड़ी दुकान से खरीद के लेके आके आपको दे दिया और आपको ज़्यादा प्राइस में दे दिया। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है कि आप नया बिजनेस भी कर रहे हैं पर आपको ये देखना है कि जो चीज़ वो बंदा आपको दे रहा है वो उसके पास खुद के पास है या नहीं है, या खुद मैन्युफैक्चर करता है या नहीं है। क्योंकि अगर आप बड़े बंदे के पास जा रहे हो, अगर वो बंदा किसी और के थ्रू दुकान से सामान लेके आपको दे रहा है तो यहाँ पर 100% वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, वो आपको ज़्यादा प्राइस में वो चीज़ को देगा। क्योंकि जो बड़े बड़े शॉप के मालिक होते हैं उनके खुद के वेयर हाउस होते हैं, वो जहाँ पर सामान रखते हैं, या वो आपकी अपनी शॉप में ही इतनी बड़ी रखते हैं कि उसमें खुद सामान होता है, वो वहीं से 2 मिनट में आपको ला के दे सकते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, वहाँ से लेके आ रहा हूँ। उनकी बात की कन्वर्सेशन में भी में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो किस किस शॉप से लाने के सामान के लिए बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपको इस तरह के कन्वर्सेशन मिले तो वहाँ से तो आपको सामान लेना ही नहीं है, आपको सावधानी से सामान लेना है सीधा होलसेलर से, बड़े होलसेलर से, और जिनकी मार्केट में अच्छी पहचान हो, उनकी अच्छी लोग उनके बारे में तारीफ करते हो, उनके माल के बारे में, और उनके जो भी आप पैसा ट्रांसफर करते हो या उधार में लेते हो तो उनके बीच में वो अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार रखते हो, ऐसे आपको होलसेलर से अपना सामान लेना है। अगर आप नया नए नए स्टार्ट करते हो, नए नए में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ताकि आपको किसी भी मार्केट में धोखा ना हो सके। करोल बार, कश्मीरी गेट और मायापुरी जैसे मार्केट है दिल्ली के अंदर, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा ना देखने को मिले, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर देना लाइक, रेड रंग की सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, पहले के इनके बटन को दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। वीडियो को शेयर जरूर करना। आज हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंक यू गाइस।